आपको न्याय मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ चाहिए सर, मैं अपना दीवार खड़ी कर लूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे? रो मत बेटा, न्याय मिलेगा आपको, रो मत। माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे आप? मेरी सहायता की जाए, मेरा दीवार खड़ी करने में कोई अड़चन ना है, बस ये इतना कहेंगे। आकर मेरे घर पे वहाँ इंक्वायरी किया जाए सर, मेरा कागज पत्र देखा जाए, मुझे मेरा जमीन दिलवाया जाए सर। सर मेरा बहनामा रहने के बावजूद मुझे मेरी जमीन नहीं। रो मत बेटा, रो मत, ना मिलेगा। क्या समस्या है आपकी? मेरा बहनामा है, मैं अपनी जमीन में दीवार खड़ा करना चाहती हूँ ताकि रोज रोज मुझे झगड़ा लड़ाई न करना पड़े। मेरे पापा 29 दिसंबर को एक्सपायर हो गए हैं, ये लोग मेरा जमीन कब्जा कर रहे हैं। कौन कब्जा कर रहा है आपकी जमीन? राजकुमार है, चंदकरण, सूरजकरण जी। मुख्यमंत्री जी महिला को गांव के लोग परेशान कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी पुलिस नामजदों की गिरफ्तारी नहीं कर रही है। मामला जनपद प्रतापगढ़ के थाना अंतु की ग्राम सभा बझान मजरा नैपलवा निवासी ममता वर्मा पुत्री स्वर्गीय बालकरण वर्मा को गांव के ही दबंग किस्म के व्यक्ति राजकुमार वर्मा, राकेश वर्मा, संजीत वर्मा, दीपक वर्मा, ममता देवी की पुश्तैनी जमीन जिसकी गाटा संख्या पर कब्जा करना चाह रहे हैं, जिस पर जबरिया कब्जा करना चाह रहे हैं। ममता देवी ने थाने में उपरोक्त लोगों के खिलाफ मारपीट व गाली गलौज तथा अन्य धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कराया है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पीड़ित ममता देवी ने नामांकित पुलिस अधीक्षक से मदद की गुहार लगाई है। रणजीत सिंह, जिला क्राइम रिपोर्टर 24 न्यूज रेडी वादा सच का जनपद प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश की एक खास रिपोर्ट। क्या नाम है बेटा आपका? थोड़ा तेज बोलो। ममता वर्मा। पता बता दीजिए। गांव बझान पूरा नेपलवा अंतु थाना जिला प्रतापगढ़। क्या समस्या है आपकी? सर मेरा बहनामा रहने के बावजूद मुझे मेरी जमीन नहीं। रो मत बेटा, रो मत, ना मिलेगा। क्या समस्या है आपकी? मेरा बहनामा है, मैं अपनी जमीन में दीवार खड़ा करना चाहती हूँ ताकि रोज रोज मुझे झगड़ा लड़ाई न करना पड़े। मेरे पापा 29 दिसंबर को एक्सपायर हो गए, ये लोग मेरा जमीन कब्जा कर। कौन कब्जा कर रहा है आपकी जमीन? राजकुमार है, चंदकरण, सूरजकरण जी, और एक जसवंत है। भूमधरी जमीन है? कैसी जमीन है? जमीन है, भूमधरी है सर। की आबादी जमीन? और राजकुमार जो कब्जा कर रहे हैं सर, वो मेरा चक है सर, 516, 528, 529, 530 का मुकदमा चल रहा है। मेरे पास पूरा लीगल कागज है सर। उसके बाद बैनामा लिए हैं आप? हाँ, बैनामा लिए। मारपीट भी हुई है, रोज रोज मारते पीटते हैं। थाने गई थी आप? थाने गए। क्या आश्वासन मिला आपको? मुकदमा लिखा गया है सर। अच्छा, मुकदमा लिखा गया है। हाँ। मुकदमा लिख के विधिक कार्रवाई की जा रही है। आप ये चाहते हैं कि हम अपने जमीन में निर्माण कर ले? हम रोज रोज झगड़ा लड़ाई नहीं करना चाहते सर। आपके घर में मुझे परेशान करते हैं। मेरे पापा जब से एक्सपायर हुए तब से रोज रोज मारपीट मारपीट, हमेशा अंतु थाने, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, केस करो। कौन कौन है आपके घर में? मेरे घर में मैं, 3 बहन हूँ, मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी का दिमाग डिस्टर्ब है, मैं उसका भी लीगल सबूत रखती हूँ कि मेरे पास वो भी कागज है, हॉस्पिटल का पूरा कागज रखता हुआ है। अच्छा, आपके मतलब पिताजी नहीं, आप 3 बहनें हैं, आपके माताजी हैं? हाँ, जब से मेरे पापा एक्सपायर हो गए तब से ये लोग मुझे परेशान कर रहे, बोल रहे लड़की लड़की है क्या कर लेंगी। कौन कौन परेशान करता है आपको? चंदकरण है, सूरजकरण है, जसवंत है, राजकुमार। अच्छा, ये लोग आपको आए दिन परेशान करते हैं, मारते पीटते रहते हैं? मारते पीटते, मेरा डिग्री भी हो गया सर, मेरा जमीन नहीं दे रहे ये लोग। आप प्रशासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? मैं यही चाहती हूँ कि मैं अपना दीवार खड़ी कर लूँ, मेरा सब हो जाए, मैं झगड़ा नहीं करना चाहती क्योंकि मैं झगड़ा नहीं कर सकती सर। नहीं तो आप तो मान लीजिए कि महिला है, बच्चे हैं। रोइए मत, रोइए मत, आपको न्याय मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ चाहिए सर, मैं अपना दीवार खड़ी कर लूंगा सर। माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे? रो मत बेटा, न्याय मिलेगा आपको, रो मत। माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे आप? मेरी सहायता की जाए, मेरा दीवार खड़ी करने में कोई अड़चन ना है, बस ये इतना कहेंगे। आकर मेरे घर पे वहाँ इंक्वायरी किया जाए सर, मेरा कागज पत्र देखा जाए, मुझे मेरा जमीन दिलवाया जाए सर, मुझे दीवार खड़ी करना जाए। चलिए ठीक, धन्यवाद।